आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा मिनी चिड़िया की। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें बहुत सा फल था। उस फल को जंगल के सारे पशु पक्षी खाते थे, लेकिन मिनी चिड़िया पेड़ के सारे फलों को खराब कर देते थे, एक भी फल को ठीक से खाते नहीं थे। ये देखकर दूसरे पशु पक्षी को खूब गुस्सा आता था। तुम एक भी फल को ठीक से क्यों नहीं खाती, सब फल को खराब कर देती हो। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ये फल सबका है, ये बोलकर मिनी उड़ जाती थी। एक दिन मिनी फल खा रही थी, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दिया। मिनी क्या खा रही हो, मुझे भी दो। ये सुनकर मिनी डर गया। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। तुम क्यों आए हो? तुम फलों को खाती हो, मैं खाना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दो, ये बोलकर मिनी उड़ गया। फिर भी भूत ने उसका पीछा किया। ना हो। फिर कहाँ जाओगी? भाग नहीं सकते मुझसे। ये छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम जंगल के सारे फलों को खा देती हो, खराब कर देती हो। अब मैं भी तुम्हें खाऊंगा। अब ये डरकर जंगल के बाहर भाग गया। के बाहर एक पेड़ पर मिमी रुकती है और देखती है कि पेड़ के नीचे भालू मंकी और टॉकी खरगोश पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये देखकर मिनी चिड़िया उनसे पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भूत हूँ, मिनी चिड़िया मैं भूत हूँ। हाँ, मैंने ही तुमको डराया था क्योंकि तुम पेड़ के सारे फलों को खराब कर देती हो। उस फल को हम सब लोग खाती हैं। अगर तुम फलों को खराब कर दोगे तो बाकी पशु पक्षी क्या खाएगी? तुम्हें बुरा काम नहीं करना चाहिए, तुम एक अच्छी चिड़िया हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी भी खराब काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो प्लीज। के बाद जंगल के सारे पशु पक्षी एक साथ रहने लगी और मिनी चिड़िया एक भी फल को खराब नहीं करती। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ भी बुरा होगा। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा मिनी चिड़िया की। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें बहुत सा फल था। उस फल को जंगल के सारे पशु पक्षी खाते थे, लेकिन मिनी चिड़िया पेड़ के सारे फलों को खराब कर देते थे, एक भी फल को ठीक से खाते नहीं थे। ये देखकर दूसरे पशु पक्षी को खूब गुस्सा आता था। तुम एक भी फल को ठीक से क्यों नहीं खाती, सब फल को खराब कर देती हो। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ये फल सबका है, ये बोलकर मिनी उड़ जाती थी। एक दिन मिनी फल खा रही थी, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दिया। मिनी क्या खा रही हो, मुझे भी दो। ये सुनकर मिनी डर गया। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। तुम क्यों आए हो? तुम फलों को खाती हो, मैं खाना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दो, ये बोलकर मिनी उड़ गया।
फिर भी भूत ने उसका पीछा किया। तुम क्या हो? फिर कहाँ जाओगी? तुम भाग नहीं सकते मुझसे। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम जंगल के सारे फलों को खा देती हो, खराब कर देती हो। अब मैं भी तुम्हें खाऊंगा। अब तुम्हें डर कर जंगल से बाहर भाग गया। जंगल के बाहर एक पेड़ पर मिमी रुकती है और देखती है कि पेड़ के नीचे ब्लू मंकी और रॉकी खरगोश पेड़ के नीचे बैठी है। ये देखकर मिनी चिड़िया उनसे पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भूत हूँ। हाँ, मैंने ही तुमको डराया था क्योंकि तुम पेड़ के सारे फलों को खराब कर देती हो। उस फल को हम सब लोग खाते हैं। अगर तुम फलों को खराब कर दोगे तो बाकी पशु पक्षी क्या खाएगी? तुम्हें बुरा काम नहीं करना चाहिए, तुम एक अच्छी चिड़िया हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी भी खराब काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो प्लीज। उसके बाद जंगल के सारे पशु पक्षी एक साथ रहने लगे और तुम्हें चिड़िया एक भी फल को खराब नहीं करी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ भी बुरा होगा।